कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा, पाप रूपी चिड़िया इधर। जैसे ही बारात को लेकर के भोले बाबा आगे बढ़े हैं, तो महाराज इधर धीरे धीरे जिस समय आगे बढ़े, तो महाराज उसी समय इधर रास्ते में जा रहे हैं, तो सभी सखियां जो है गिरजा की देख रही हैं कि भोले बाबा और गिरजा में उम्र का बहुत बड़ा फर्क है। विवाह भी किया तो कहां किया, उम्र का बहुत बड़ा फर्क है। अब सभी लड़कियां जो है भगवान भोले बाबा को देख रही हैं, विचार कर रही हैं, गड़े में बड़े बड़े नाग लटक रहे हैं, बिच्छू लटक रहे हैं, भला गिरजा इनके साथ कैसे समय व्यतीत कर पाएंगी। अब सभी लड़कियां देख रही हैं और विचार कर रही हैं क्या, अरे तू लाकर
चल सोए मेरी बिटिया है कमला सिरोनी लाली को रंग बादामी बिटिया है अरे दूल्हा को रंग या सपानी लाली को रंग बादामी भगवान भोले बाबा को सखियां देख रही हैं, विचार कर रही हैं। अब धीरे धीरे आगे बड़े दरवाजे पर पहुंचे हैं तो कुछ लड़कियां जो हैं भगवान भोले बाबा की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी हैं। तो महाराज जब आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी तो एक ने जैसे ही भोले बाबा के रूप को देखा एकदम से पीछे हट गई। बोले हमसे आरती नहीं उतर पाएगी। बोले कोई बात नहीं, अब थाली ली और भगवान भोले बाबा की आरती उतार रही। अब जैसे ही आरती उतार रही तो भगवान के गले में जो सर्प पड़ा हुआ था जैसे ही एकदम से फुसकार मारी सुबह थरिया कंगरी और बिटरिया कंगरी उतर गई आरती। अब तो सब लड़कियां एकदम से भागी और जाकर के मैया मैना के नजदीक पहुंची है। बोले मैया गजब हो गया, क्या हो गया? बोले मैया आपने तो गजब कर दिया। क्यों, बात क्या है, कौन सी बुराई है दूल्हा में? बोले मैया अगर कोई बुराई दूल्हा में नहीं है तो कोई अच्छाई भी दूल्हा में नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मैया गिरजा और भोले बाबा की उम्र में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये बताओ, मैना पूछने लगी, ये बताओ उम्र में? बोले हाँ। कैसे? अब सभी लड़कियां समझा रही मैया तुम्हें नहीं मालूम है क्या, अरे गिरजा है नादान रे परनाम